देखो सब। अरे नहीं, ये झूठ है, ये जरूर किसी की साजिश है, हमने चोरी नहीं की है। साजिश करने वाले खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी ने साजिश किया है। अरे गद्दारी से पेट नहीं भरा तो चोरी पे उतर आए। खुदा कसम हम सच बोल रहे, हमें नहीं पता यार कहाँ से आया, हम चोर नहीं है। कौन चोर कहता है कि वो चोर है? सारी फसाद की जड़ ये गद्दार है। सिपाहियों पकड़ो इसे और ले चलो इसे। आप चाहिए तो हमें कैद कर लीजिए, लेकिन लेकिन अब्बू जान को छोड़ दीजिए। रुको, क्या हो रहा है? इनके पास से ये हार बरामद हुआ है हुजूर। छोड़ दो इन्हें, हमें यकीन है कि ये सबक सीख चुके, तो ये इनकी पहली गलती है। छोड़ दो, आइंदा ये गलती हुई तुम सबके लिए बहुत बड़ा होगा। आप लोग जाइए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। दर्द हो रहा है। छोड़िया, तुम्हें क्यों बख्श दिया गया है? तो शहजादे सलीम का इंतकाम अब तक पूरा नहीं हुआ, तुम्हें इसलिए रिहा करवा दिया गया है क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ सहना है, जैसे कि दर्द, तकलीफ, जिल्लत। तुमने शहजादे सलीम का बचपन उजाड़ा था ना, अब उसकी कीमत चुकाओ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी तबाह करवा दी जाएगी, क्योंकि शहजादे सलीम की ख्वाहिश है। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि हर दिन मौत मांगोगी तुम, अगर मौत भी तुम्हें मैसर नहीं होगी। लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत के लिए पैदा हुए हैं, मगर तारीख हमें जाने के तुमसे हमारी नफरत के लिए। आप खूब बजाना और हम खूब नाचेंगे सुबह से लेकर शाम तक। फाइनल संकाते हुए सलीम, क्या हुआ? कुछ काम याद आ गया, मैं डोनल साहब के साथ जश्न की बाबत मसलत करनी है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। वाकई बहुत अच्छी खुशबू इस फूल की। नफरत है हमें इन फूलों से, नफरत है हमें तुम्हारी यादों से, नफरत है हमें हर चीज से जो तुमसे जुड़ी हुई है अनारकली, नफरत है। हम भी किससे मोहब्बत कर बैठे सके ना, जो हमसे नफरत करते, जो हमें बर्बाद कर देना चाहते, जिन्होंने हमारे अब्बू को जलील करवाया, जिन्होंने हम पर चोरी का इल्जाम लगाया।
यकीन नहीं आता नादिरा कि शहजादे सलीम इस हद पर उतर आएंगे। उनसे ये उम्मीद नहीं थी, मगर हमें पूरी उम्मीद थी। जब से हमें पता चला कि वो कुतुब नहीं शहजादे सलीम है, हमें पूरी उम्मीद थी कि जरूर वो कोई ओछी हरकत करेंगे। हम उन्हें बचपन से जानते, उनकी सोच ही झूठी, जैसे बचपन में थे आज भी वैसे ही। अगर गलती तो हमसे हो गई, हम उन्हें पहचान नहीं पाए, अनजाने में उन्हें अपना दिल दे बैठे। अगर हमें पता होता ना कि वो शहजादे सलीम है, तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करते। प्यार किया नहीं जाता नादिरा, हो ही जाता है। ये देखो नादिरा, तुम्हारे मनपसंद फूल। खुदा का शुक्र है, कोई तो है जिसे हमने पसंद किया और वो आज भी हमारे पास है। ये फूल ही इंसान से बेहतर है जिसने अपनी वफादारी निभाई, जो खत्म होकर भी खुशबू देता है। दर्द नहीं, तकदीर देखो, इनका इलाज तक नहीं करवा सकते। थोड़े भी पैसे नहीं बचे हैं सकीन, जेवर बेचने गए तो कंगन लूट लिया गया, हर चोरी का इल्जाम अलग सिर पर लग गया। एक काम करो नादिरा, ये कंगन रख लो। ये क्या कर रहे हो सकीना? हम ये नहीं ले सकते। क्यों? जो जरूरत के वक्त काम ना आए वो कैसा दोस्त? और तुम्हारे अब्बू मेरे भी चाचा लगते हैं। इनकार मत करना, इसके अलावा हम तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकते। अपने अब्बू को भी मदद के लिए नहीं कह सकते, वो नहीं चाहते हम तुमसे मिले, वो भी बाकी लोगों की तरह तुम्हारे अब्बू को। खैर, जितनी मदद कर सकते हैं कबूल कर लो। नहीं सकीना, हम ये नहीं ले सकते, हमारे अब्बू जान को ये कभी मंजूर नहीं होगा। नादिरा सही कह रही है सकीना, तुम्हारे इरादे नेक हैं बेटा, पर हम नहीं चाहते कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस वजह से डांटे, तुम्हारा यहाँ पे आना छूट जाए। तुम यहाँ आती हो, नादिरा के साथ हमारा दर्द बांटती हो, हमारे लिए वो ही बहुत है। पर आप लोग चाचा जान का इलाज कैसे करवाएंगे और खाएंगे क्या? हम अपनी जिद की वजह से यहाँ आए और खुद कुछ भी करके हमारे अब्बू जान का इलाज करवाएंगे। अम्मी जान पानी दीजिए। अब्बू आराम से, अब्बू अब्बू पानी पीजिए। नादिरा बेटा, हमें सुबह सुबह हकीम साहब को बुला के लाना होगा, इनकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। सलाम शहजादे। सलाम। आपको इस तरह तैयारियों में मसरूफ देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसी लगन के साथ काम करते रहे तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप एक कामयाब शहंशाह बनेंगे। बेशक शहजादे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इजाजत दीजिए, हम घोड़े तैयार करवाते हैं। सलाम। आप कहीं जा रहे हैं सलीम? हाँ मेजा, सच कहें तो यहाँ खुश नहीं है। ये सब जश्न की तैयारियां, ये सब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। शहंशाह से हमें कोई लगाव नहीं है, हमें इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है कि वो फरहान और बेला का निकाह करवाना चाहते थे। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारी बात को इज्जत दी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? जिंदगी जीने, इस बात को अच्छी तरह से समझ गए कि मोहब्बत दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती। जिंदगी को अगर सुकून से जीना है तो मोहब्बत से दूर रहना होगा। सच कहें ना तो इस महल में दम घुटता है हमारा, हम अपने होश दुरुस्त करने जा रहे हैं। हमेशा इजाजत दीजिए। अगर ऐसा है तो आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। खुदा, हम जानते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और हम भी यही चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें सुकून मिले। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।